नमस्कार, एलएनवी टीवी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले पटेरा नगर पंचायत में इस समय हंगामा मचा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास में हुई अनियमितता को लेकर हितग्राहियों ने नगर पंचायत को घेर रखा है, काफी हंगामा कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लगातार हंगामा चल रहा है। जो वर्तमान में सीएमओ है शैलेंद्र चौहान, उनसे चर्चा की जा रही है, वह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर हितग्राही हैं तो अपना पक्ष रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के गंभीर आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। हम आपको बतलाना चाहते हैं कि जब से नगर पंचायत पटेरा का गठन हुआ है, तभी से लेकर विभिन्न प्रकार के गंभीर आरोप, अनियमितताओं के आरोप लगातार लगते रहे हैं, चर्चाओं का विषय बने रहे हैं और मीडिया में भी सुर्खियां लगातार इन अनियमितताओं के चलते बनी रही है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला के अंतर्गत आने वाले पटेरा नगर पंचायत में इस समय हंगामा मचा हुआ है। यहां पर प्रधानमंत्री आवास में हुई अनियमितता के चलते हितग्राही काफी परेशान हैं और सूत्र बतलाते हैं कि अधिकारियों ने जांच में अनियमितताएं पाई भी हैं। शैलेंद्र चौहान जो कि सीएमओ है नगर पालिका नगर पंचायत पटेरा के, उन्होंने आश्वासन दिया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हम करके छोड़ेंगे। काफी बड़ी संख्या में यहाँ हितग्राही उपस्थित थे और कुछ नेता भी यहां पर उपस्थित हैं। नगर पंचायत जो अध्यक्ष हैं उनके पति भी यहां पर उपस्थित हैं। गंभीर आरोप, प्रधानमंत्री का जो सपना है सबका घर हो अपना के लक्ष्य में पलीता लगाने का जो प्रयास किया गया है तथाकथित नेताओं द्वारा या अधिकारियों द्वारा, उसकी जांच चल रही है और जांच में अनियमितता पाए जाने के संकेत प्राप्त हुए हैं। काम करा लिया, ठीक है, काम कराया, जो भी रहा ठीक है, कैसा हुआ, उसके बाद गलत लोगों के नाम जोड़े गए। आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं किस प्रकार आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है और शैलेंद्र चौहान जो कि कुछ माह पूर्व ही यहां पर पदस्थ हुए हैं, वह कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिसके नाम गलत जुड़े थे उन्होंने स्पष्ट लिखा है, इनके नाम गलत इनके हटाए जाए और एक्चुअल पात्र के नाम जोड़े जाए। हितग्राहियों को समझाने का प्रयास और हितग्राही हैं कि अपना पक्ष प्रबल तरीके से रख रहे हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, उनका कहना है। मध्य प्रदेश की दमोह जिला के अंतर्गत आने वाले पटेरा नगर पंचायत का यह मामला है। आप देखिए और सुनिए किस प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। फिर इसके आगे क्या हुआ कि यहां से सूची चली गई, तहसीलदार महोदय ने बहुत उसको काम को बिल्कुल शत प्रतिशत अच्छे से लिया और काम किया और वो एसडीएम महोदय के पास सूची पहुंच गई है। अब वहां से ऐसे ही सूची मेरे परिषद में आती है, जो जो पात्र हितग्राही हैं उनको मैं दो मिनट नहीं लगाऊंगा पैसे डालने में। पैसा है, फंड पूरा पैसा आया हुआ है, लेकिन जब तक कलेक्टर महोदय हमको आदेश नहीं दे देते तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वहाँ से ऐसे ही आदेश आते हैं, सूची अप्रूव होकर आती है, दो मिनट कह रहा हूँ, दो मिनट समय नहीं लगेगा और सबके खाते में पैसे आ जाएंगे। जो जो नियम के जितने नियम के तहत पैसे जो राशि जाती है वो पूरी राशि उसके खाते में जाएगी, लेकिन गलत के साथ गलत तो सही के साथ सही होगा, ये मेरे पूरे बताए। अब आप लोग बताइएगा, आप लोग अभी नाम जुड़ा था इंग्लिश में, मेरा मेरे पास कुछ नहीं है। बादशाह भाई नाम क्या है आपका? अनुज राय। इंग्लिश में नाम था इनका भाई? इंग्लिश में नाम था तो आप लोग इसको लिख लो अभी। देखो मैं बता रहा हूँ, 285 में सर नाम कटा हुई है, वो सही हो रही है। इसी में मेरा भी नाम कटा है।
सर मेरा भी नहीं है, नाम लिखो इन सबके, एक कागज लाओ और नाम लिखो सर। सर मैं निवेदन करता हूँ, मैंने आप सभी के नाम काट दिए गए पार्षद से, मुझे नहीं पता चला, मुझे इन लोगों से पता चला है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लगातार हंगामा हो रहा है और यहाँ उपस्थित है नगर पंचायत पटेरा के जो अध्यक्ष पति हैं वह वहां पर उपस्थित हैं साथ में। हितग्राहियों में काफी रोष देखा जा रहा है, विभिन्न प्रकार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं और आइए हम आपको सुनवाते हैं क्या कहना है सीएमओ शैलेंद्र चौहान का। आपके आवास का समय मेरे समय का काम नहीं है, मैं मानता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पद की है, मेरी नहीं है, उस पद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो मुख्य अधिकारी का पद है। सौभाग्य से वो पद मुझे मिला है, लेकिन यहाँ की चीज़ जिस तरह अस्त व्यस्त थी वो चीज़ें समझने में समय लगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपकी 208-385 की सूची है, जो जिसमें बहुत गड़बड़ियाँ थी, जो माननीय महोदय कलेक्टर महोदय जैसे ही मुझे यहाँ पर आदेशित करेंगे वैसे ही आपके खाते में उन्होंने बोला कि भाई इनकी राशि डाल दी, वैसे ही मैं उनकी राशि में उसी दिन से प्रोसेस स्टार्ट करूँगा। परिषद से संबंधित कोई भी कार्य हो आपके साथ कहीं नहीं जाए, आप मेरे ऑफिस में मुझे आगाह करा, मुझे अवगत करा, उसके बाद ही काम करो। जैसे कि आप लोगों को देखो, आप लोगों का यूज नहीं होना चाहिए, आप लोगों का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए, है ना। आप लोगों की जो भी समस्या है, जैसे आवास की समस्या की ऐसी समस्या है जो थोड़ा कलेक्टर महोदय ऐसे कहेंगे मैं कर दूंगा। नहीं सर, सर एक मिनट प्लीज, आप कलेक्टर होंगे तो बता दो कलेक्टर महोदय की जनता परेशान है, सब पता है, सब पता है सर। सर आज की स्थिति में मैं उनको पहुंचा दूंगा। सर आपसे निवेदन है, ग्राफिक करके आप कलेक्टर साहब से आप निवेदन को पहुंचा सकते पटेरा से LLV टीवी के लिए संजय शुक्ला की रिपोर्ट। मेरी कलम से जो काम होगा एकदम फेयर होगा, जनता के सामने होगा, बस वही कलम से जो काम, यही निवेदन है सर। बहुत अच्छी बात समाचारों के लिए देखते रहिए LNV TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।